बीते दो दिन पहले प्रयागराज में कुंभ के स्नान के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी अविस्मरणीय कदम उठाया है कि भारत की जनता आश्चर्य से दांतों में उंगली दबाने को विवश हो गई है। याद रहे कि नरेंद्र मोदी ने कुंभ के घाट पर सफाई कर्मचारियों को आसन पर बैठाकर उनके चरणों को विधिवत जल से धोने का कार्य किया है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को अंग वस्त्र भी भेंट किए। हैरत है कि भारत के कट्टरवादी मानसिकता वाले लोग भी नरेंद्र मोदी के इस अभूतपूर्व कार्य की सराहना करने को विवश हो गए हैं, क्योंकि भारत की जाति व्यवस्था आधारित समाज में अभी तक केवल ब्राह्मण अथवा देव या देवी स्वरूपों को ही यह सम्मान हासिल था, या फिर शंकराचार्यों को यह सम्मान दिया जाता था। लेकिन पहली मर्तबा जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर आने वाली सफाई कर्मचारी समाज के प्रति आदर भाव प्रदर्शित किया गया। निश्चय ही नरेंद्र मोदी ने समतावादी आंदोलन का शंखनाद किया है, जिसकी भारत भर में जहां प्रशंसा हो रही है, वहीं पानीपत के विभिन्न जाति वर्ग के लोगों ने नरेंद्र मोदी को इस कदम की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कुंभ के मेले में हरिद्वार गए। जैसे हमने समाचारों से जाना कि उन्होंने 2-3 सफाई कर्मचारियों के पांव बखारे, गंगा जल से पैर धोए। ये एक नई परंपरा है हिंदुस्तान में, एक नई परंपरा है, और वो भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी द्वारा। मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूँ और इस परंपरा को आगे बढ़ाने की पहल करता हूँ। जो ही ये परंपरा आगे बढ़ेगी, कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ेगा। मोदी जी ने एक मानवता के प्रति बहुत बड़ा कार्य किया है और समाज को एक लेसन दिया है कि समाज में कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता, वो अपने कर्म से महान होता है। और उन सफाई कर्मचारियों की महानता देखते हुए मोदी जी ने इस कार्य को अंजाम दिया और हम लोगों को अपने जीवन में उसको अपनाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो सफाई कर्मचारियों के पांव धोकर उन्हें जो सम्मान दिया है, उनसे हमारे भी मन में एक बहुत ही अच्छा समानता का भाव उत्पन्न हुआ है। ये कार्य एकदम अभूतपूर्व है और हम नरेंद्र मोदी जी के इस कार्य की सराहना करते हैं। नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में सफाई अभियान में कर्मचारियों को सम्मानित किया है। उन्होंने ये सम्मानित करके उनको उन्होंने ये बता दिया है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम जो भी होता है सबके लिए बराबर होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो कर्मचारियों के पैर धोकर एक बहुत सराहनीय कार्य किया है, वो बहुत अच्छा कार्य किया। या तो आज तक किसी के पैर श्री कृष्ण ने धोए थे या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धोए हैं, हम उनके आभार व्यक्त करते हैं। और हमेशा हमेशा ही प्रधानमंत्री जी जो कार्य नरेंद्र मोदी ने किए हैं, ऐसा कार्य आज तक किसी प्रधानमंत्री ने किया जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। आज तक प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को ना ऐसा कोई मिला है और ना आगे आने वाले टाइम में ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।